धर्मनगरी कुरुक्षेत्र में कभी हल्की कभी तेज लगातार 4 घंटे चली बरसात ने उन नेताओं और प्रशासनिक अधिकारियों के तमाम दावों की पोल खोल दी कि मानसून की बरसात से पहले शहर के सभी नालों की सफाई और बरसाती पानी की निकासी के पुख्ता इंतजाम कर दिए गए हैं। स्वच्छता और विकास के तमाम दावों की पोल बरसात ने खोल दी। शुक्र है कि बरसात थम गई, वरना लगातार और तेज बरसात से तमाम शहरवासियों के लिए आफत की स्थिति पैदा हो जाती। धर्मनगरी कुरुक्षेत्र का कोई भी सेक्टर, गली मोहल्ला, बाजार और मुख्य सड़क ऐसी नहीं दिखाई दी जहां बरसात के कारण पानी खड़ा दिखाई नहीं दिया। शहर के बाजारों में हर बरसात के बाद जैसा नजारा एक बार फिर नजर आया। बिरला मंदिर के आसपास दुकानदारों को बरसात के कारण जमा पानी से नुकसान हुआ। सेक्टर 13 में जमा पानी के कारण बुजुर्गों का घरों से बाहर निकलना बंद हो गया। इन सब का कारण बरसाती पानी की निकासी का उचित प्रबंध न होना है। रेलवे रोड, झांसा रोड, बिरला मंदिर चौक, ज्योति नगर, सेक्टर 13 सहित शहर के हर क्षेत्र में लोगों को भले ही बरसात के कारण गर्मी से राहत तो मिल गई, परंतु इसी बरसात ने उन्हें गर्मी से राहत देने के साथ साथ शहर में हो रहे विकास कार्यों, स्वच्छता अभियान, नाले नालियों की सफाई की व्यवस्था की पोल भी खोल दी कि आखिर जब सबको पता था कि 11 से 15 जुलाई को बरसात आने की संभावना है, मानसून दस्तक दे रहा है, तब भी आखिर बरसाती पानी की निकासी की व्यवस्था क्यों नहीं की गई? पिछले कई वर्षों से क्या यही विकास हो रहा है? शहर में सड़कें लगातार बन रही हैं, हर वार्ड हर सेक्टर में रोज नई नई गलियों का निर्माण हो रहा है, परंतु पानी निकासी की समस्या का कोई उचित प्रबंध नहीं, जिसके चलते हल्की बरसात में भी पानी जमा हो जाता है, जो इन गलियों की मजबूती को भी नुकसान पहुंचाता है। सड़कें जल्दी टूट जाती हैं। ठेकेदारों में निर्माण प्रक्रिया से जुड़े लोगों को तो लाभ पहुंचता है, मगर जिस जनता की गाड़ी कमाई से दिए गए टैक्स रूपी धन से इन सड़कों का निर्माण होता है, वही जनता बारिश के दिनों में ये सोचने पर मजबूर दिखाई देती है कि क्या यही विकास है जिसके लिए रोज दावे किए जा रहे हैं।